इस खबर में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके बच्चे नाबालिग हैं तो उन पर आपको नजर रखनी जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कहीं कुछ ऐसा तो वो नहीं कर रहे जो उनके और दूसरों के भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर आपके बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है तो ये खबर आपकी आंखों को खोल देगी। इंस्टाग्राम पर बॉयज लॉकर नाम का एक ग्रुप बना। दक्षिणी दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों ने ये अकाउंट बनाया और फिर उस पर जो हुआ वो शर्मसार करने वाला है। इस ग्रुप पर शुरू हुई लड़कियों के बारे में अभद्र चैट, सारी सीमाएं टूट गईं। लड़कियों की तस्वीरों के साथ रेप से लेकर गैंगरेप तक की बातें होने लगी। जब इस अश्लील चैट के कुछ स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पर लीक हुए तब दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने कार्रवाई शुरू की और दिल्ली के एक नामी स्कूल के 15 साल के लड़के को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि इसी लड़के ने यह ग्रुप बनाया था। साइबर सेल ने आईपीसी की धाराएं 465, 471, 469, 509 के तहत एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली महिला आयोग ने बॉयज लॉकर रूम वाले मामले में नोटिस इशू किया था दिल्ली पुलिस को और इंस्टाग्राम को। हमारे नोटिस के बाद दिल्ली पुलिस ने अब इस मामले में एफआईआर दर्ज करी है और एक लड़का अरेस्ट किया गया है। अभिभावकों के लिए तो ये बस एक बार फिर दस्तक है। सोशल मीडिया के अनगिनत खतरों से नाबालिग बच्चों को सावधान रखने की दस्तक। आज तक ब्यूरो।